जी, परमेश्वर ने उससे वादा किया, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, हर प्रकार की आशीष दूंगा। अब्राहम ने इस बात को स्वीकार किया, मान लिया कि जो परमेश्वर ने कहा है वो सत्य है। तीसरे पद में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मींस परमेश्वर कह रहा है, अब्राहम मैंने तुझे चुना है इसलिए ताकि मैं तेरे द्वारा बड़ी जाति को उत्पन्न करूं, बड़े देश को उत्पन्न करूं और तुझे आशीष दूं और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाए। प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा अब्राहम की आशीष हम तक, आप तक पहुंची, यानी कि आप और मैं अब इस आशीष के वारिस हो गए, इस आशीष के जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तेरे द्वारा बड़ा देश बनाऊंगा और तेरे द्वारा मैं लोगों को आशीष दूंगा, तेरे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होंगे। और अब्राहम इतना महान कि उसने उस वचन को, उस वादे को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। उसने मान लिया कि जो परमेश्वर कह रहा है वो मेरे जीवन में होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब्राहम की परिस्थिति भी विपरीत ही थी। जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि हम आशीषित हैं। लेकिन वैसे अब्राहम के पास भी हालांकि सब कुछ था, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी, उसका कोई भी बच्चा नहीं था, ना लड़का था ना लड़की थी, कोई भी नहीं था। उसके बावजूद उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर लिया कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, मेरे नाम को ऊंचा करेगा, मेरे द्वारा परमेश्वर लोगों को आशीष देगा। उसने इस बात पर विश्वास किया। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगी, आपको इस बात पर विश्वास करना है, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। हमें अपने जीवन में ऐसा हमें बोलना है कि मैं आशीषित हूँ, चाहे परिस्थितियां विपरीत हों, लेकिन अब आपको ये स्वीकार करना है कि मैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। जो अब्राहम की आशीष थी वो मुझ पर आई है, परमेश्वर प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा वो आशीष मुझ तक पहुंच चुकी है। आपको इस बात पर विश्वास करना है। जिस दिन आपने विश्वास कर लिया, आप उस दिन से आप अपने जीवन में आशीषों को देखोगे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, और आप जब विश्वास करते तो वचन जीवित हो जाता है और वचन काम करने लगता है और ये पूरा होने लगता है। परमेश्वर आपके जीवन के हर क्षेत्र में आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने को है, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा। उसका वचन टलता नहीं, उसका वचन असफल नहीं होता। जिस काम के लिए भेजा जाता है वह वचन पूरा होता करता है, वो आपके जीवन में काम करेगा। जैसे कि हमने देख पढ़ा कि प्रभु हमारे लिए योजना बनाता है और योजनाओं को पूरा भी करता है, और आज वो कह रहा है कि हम आशीषित हैं। इसलिए आप इस वचन पर विश्वास कीजिए, तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्य सिस्टर, हालेलुया। अच्छे प्रॉमिस वचन के लिए, सच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हालेलुया। वो उसका वायदा जो है वो 100% सच्चा है, हालेलुया। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को वायदा किया था उस वक्त, हालेलुया, इब्राहिम की उम्र 75 years, 75 वर्ष थी, हालेलुया। और हालेलुया, ये ना मुश्किल था, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना मुश्किल था कि इस उम्र में कैसे पर हमको बच्चा हो सकता है, हालेलुया। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बच्चा दिया तब उसकी उम्र 99 years, हालेलुया, यानी 100 years के आसपास था इब्राहिम, तब परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा हुआ, हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई उम्र, कोई समय
हालेलुया। और हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया, हम धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया, आइए हम आज के मन्ना में जाएंगे। हालेलुया, और हमें हालेलुया परमेश्वर के वचन में लीड करेंगे परमेश्वर के दास। हालेलुया। विनोद भाई, ओवर यू टू विनोद भाई। धन्यवाद कमल भाई, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ एक और बार आपके बीच में आज वचन लेने लेके आने के लिए अनुग्रह किया उसके लिए। और आज का इस मॉर्निंग डिवोशन में हम सही में आशीषित हुए हैं। वचन के अंदर जाने से पहले भी एक बहुत ही अच्छा टचिंग वर्शिप भी हमको आज मिला राजेश भाई की तरफ से। प्रभु ऑलरेडी बात करने लगा है प्रॉमिस वर्स से भी जो बहन ने लिया उसमें से भी। मैंने कई बार यू नो ये प्रॉमिस वर्स सुना हुआ है, ये जो हमने आज सुना। और मेरा ये बहन से कोई बात नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने क्या बोला, जस्ट खाली विश्वास करो। और प्रभु के सारे चीजें वैसा है, जस्ट खाली विश्वास करो। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो अगर आपको याद होगा तो सेम अपना वो कंटिन्यूइंग सीरीज के और है जो हमने लास्ट टाइम देखा था। और इसी तरह से हमको यू नो लाइक प्रभु के बातें जो सुनते हैं उसको विश्वास में लेके हमको याद करना है कि नहीं, प्रभु हमसे ये चाहता है और उस तरह से उसके ऊपर अमल उतरना है। टॉपिक हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो था इनक्रेडिबल रिचेस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, या परमेश्वर की महिमा के अविश्वसनीय धन को समझना, या तो फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं द ग्लोरी ऑफ द इनविजिबल रियल्म सीरीज, जो या फिर हिंदी में हम कह सकते हैं अदृश्य क्षेत्र श्रृंखला की महिमा। ओके, एक तरह से आप देखें या दूसरी तरह से देखिए, सारे जो बातें हो रही है दैट इज अबाउट द रिचेस या ग्लोरी ऑफ द हेवेंस। किसके लिए? टू एक्टिवेट अवर फेथ इन क्राइस्ट अगेन। तो प्रेस गॉड, क्योंकि एक बहुत अच्छा रिच टॉपिक यू नो परमेश्वर का यू नो अनुग्रह से हमको हम अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो आज मैं आपके समक्ष कुछ नए पर्सपेक्टिव्स इस ग्लोरी या इस महिमा के बारे में या इस रिचेस के बारे में रखना चाहूंगा। तो आइए हम वचन में से देखते हैं। अपने अपने बाइबल को मेरे साथ आप टर्न कर सकते हो। कोई पढ़ सकता है फिलिपियों की पत्री 4:19, उसका इंग्लिश में पढ़ लेता हूं। फिलिपियंस 4:19 ऐसा कहता है, बट माई गॉड शेल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। इसका हिंदी किसी को मिल रहा है तो पढ़ सकता है। फिलिपियों की पत्री 4 उसका 19। यस, मैं पढ़ता हूँ फिलिपियों 4 और उसका 19। वचन इस प्रकार कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घड़ी को पूरा करेगा। आमीन, आमीन। थैंक यू राजेश भाई। तो वचन हमको ये बताता है इन अ वे लाइक के जो रिचेस है इन ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। आप लोग याद करिए मैंने क्या बोला, हमारा जो टॉपिक है रिचेस इन ग्लोरी के ऊपर है, उसका कंटिन्यूइंग थीम पे हमारा चल रहा है, आया है ना रिचेस इन ग्लोरी। कहाँ पे हमने देखा वो रिचेस इन ग्लोरी? उसके धन के अनुसार। उसको धन को आप रिचेस इन ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस ऐसा ले सकते हो। जब पौलुस ये फ्रेज को यू नो बताता है तो वो इन शॉर्ट ये बताना चाहता है कि गॉड पोजेसेस वो सारे रिचेस ऑफ ग्लोरी जो है। तो हम जब कहते हैं हमारे गॉड इज ग्लोरियस, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट गॉड, बट उसके साथ वो सारी चीजें जो कर सकता है वो सब यू नो महिमामय है, वो ग्लोरियस है, वो बाउंटिफुल है, वो प्रेशियस है, वो परमेश्वर कर सकता है, उसको वो चीज करने का लेजिटिमेट हक है। तो वो सारे चीजों को अगर करता है और उसके और से अगर होता है तो वो है उसका एक जो ग्लोरी है, हमें समझना है। तो इसको कोई ऐसा जेनरिक या प्लेन यू नो एब्स्ट्रैक्ट थॉट की तरह मत लेना। रिचेस ऑफ ग्लोरी और भी यू नो पर्सोनिफाइड होता है जब आप देखते हो कि
जो ग्लोरी ऑफ गॉड हम एक्सपीरियंस करते हैं जब यीशु मसीह खुद हमारे हार्ट्स में विश्वास के थ्रू जीता है, राइट? तो ये भी एक प्रकार का वो ग्लोरी है। तो जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो होप है गॉड में, जैसे कि आपका डेली ब्रेड के लिए हो, आपके सारे नीड के लिए हो, हमारा एक जो स्रोत है सप्लाई का, ठीक है, वो आप मटेरियल में ले लो, फिजिकल में ले लो, वो उसका महिमा, उसका धन के अनुसार वो हमारा सप्लाई, हमारा जो नीड्स है उसको मीट करता है। मतलब एक मैं ये पर्सनल रेवलेशन के जैसे शेयर कर रहा हूं कि कुछ होता है नीड, कुछ होता है वॉन्ट्स। इकोनॉमिक्स आप सबको पता है। तो वॉन्ट ये हो गया कि मेरे को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा से अच्छा, लेट्स से गाड़ी चाहिए, अभी बहुत अच्छा गाड़ी में रोल्स रॉयस और उस तरह से सब नंबर आएगा, मर्सिडीज बेंज और ऑडी सब करके। लेकिन इधर पे जो चार पहिया वाला जो गाड़ी है, इवन पंच से भी काम चल जाता है, तो वो हमारा नीड है, तो प्रभु अगर पंच भी देगा तो भी काम चल जाता है। उस तरह से हम कहते हैं कि तो उसको ग्लोरी के हिसाब से वो हमारा नीड्स को मीट करता है, ठीक है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, इसका जो स्पिरिचुअल कॉनोटेशन कैसा है, वो हमको बताने के लिए मैं एक कोट का सहारा लेना चाहता हूं। डीएल मूडी एक बहुत ही जाने माने क्रिश्चियन फिलोसोफर भी रहे हैं, अमेरिकन ऑफ द लास्ट सेंचुरी है। वो जब ये फ्रेज को कोट करते हैं तब वो ऐसा बताते हैं कि कौन सा फ्रेज, फिलिपियंस 4:19, हम अभी भी उस पे है, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस, या फिर उसका हिंदी, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, है मोस्ट ट्रांसलेशंस, लेकिन मेरा एक ट्रांसलेशन ऐसा है हिंदी में कि घटी को पूरा करे, मतलब कि आपकी जो जरूरत है उसको पूरा करेगा। तो क्या डीएल मूडी कहता है, हम कुछ पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं। डीएल मूडी का ऐसा कहना है कि प्रिय प्रभु के लोगों, ये जो वर्स है ये एक बैंक चेक के समान है, मतलब कि ये वर्स जो है एक बैंक चेक की तरह आपके लिए काम करता है। इसको थोड़ा समझने को ट्राई करना। पहला पर्सपेक्टिव क्या है, द फर्म, मतलब मेरा फर्म या कंपनी, जब इस वर्स के अंदर, ये छोटा सा वर्स है लेकिन इसके अंदर क्या मीनिंग निकल रहा है मैं बता रहा हूं। जब हम कहते हैं माय गॉड या अथवा मेरा परमेश्वर, तो ये वो हमारा कंपनी बताता है। जिनको कंपनी नहीं है वो भी आज सवेरे घमंड कर सकते हैं कि नहीं, मेरा कंपनी है ऊपर, मेरा कंपनी है परमेश्वर में, मेरा कंपनी है गॉड में। तो अगर एक कंपनी है तो आपको पता है अब वो कंपनी से क्या क्या प्रावधान हो सकता है। तो पहला बात इस वर्स में से हमको मिलता है, द फर्म, मतलब कि गॉड मेरा परमेश्वर। दूसरा, द प्रॉमिस, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, शायद समय थोड़ा कम है ये सारी पर्सपेक्टिव्स को बताने के लिए, बट एनीवे मैं कोशिश करता हूं, इसलिए आप भी थोड़ा मेरे साथ कैचअप करने को रखना। सेकंड, द प्रॉमिस, मतलब इधर एक प्रॉमिस है, आपने देखा गॉड शैल सप्लाई, या फिर वो जो वर्स कहता है वो परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा, है ना। तो वो एक प्रॉमिस आ गया वहां पे कि आपको सप्लाई मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज द, क्या कहते हैं, इसका कुछ ऐसा अमाउंट लिखा हुआ है कि इतना लाख है, इतना करोड़ है, इतना कुछ है, ऐसा व्याख्यान है? नहीं नहीं, इट मींस ऑल दैट यू नीड, जो भी अमाउंट है, जो भी जरूरत है, जो जरूरत है, नॉट अ लक्ज़री वांट, जैसे मैंने रोल्स रॉयस बताया, या
और कोई दूसरा गाड़ी ऐसा, बट जो आपको जरूरत है वो परमेश्वर जानता है। व्हाट इज द अमाउंट वो भी कवर्ड है, ऑल यू नीड। दूसरा एक पर्सपेक्टिव है द कैपिटल। अच्छा, कंपनी है तो कैपिटल वो है धन, वो है उस तरह से यू नो लाइक उसके धन के अनुसार। हमने वो वर्ड्स कहीं पे पढ़ा है ना, जस्ट बताता हूं देखो, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार आ गया, उस धन के अनुसार रिचेस, या फिर अमाउंट ले लो या कैपिटल ले लो, वो हो गया रिचेस। तो उसके रिचेस या धन में कवर्ड है। हम जब परमेश्वर से मांगते हैं तो कितना पुअर तरीके से मांगते हैं, कभी कभी यू नो लाइक विश्वास भी नहीं होता है। यू नो कुछ कुछ चीजें जब हम मांगने को देखते हैं तो परमेश्वर कर पाएगा कि नहीं, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तो मेरा परिस्थिति ऐसा है तो मैं ये कर्ज में से कैसे बाहर निकलूंगा। देखो ये क्रिश्चियन बातें जो है, मसीह की बातें जो है, सारी विश्वास की बातें है। जो विश्वास के ऊपर खड़ा उतरा वो जीत गया मसीह जीवन, यू नो। पर जो शंका में है, जो हमेशा यू नो डाउट करता रहता है, शैतान की बातों को सुनता रहता है, वो फिर यू नो अपने विश्वास पे खड़े रहने के लिए उसको तकलीफ होता है। हर किसी को ये लड़ाई यू नो लड़ना है जब तक यीशु मसीह आए और अपना विश्वास पे खड़ा रहना। ओके, लेट्स कम बैक टू द अदर पर्सपेक्टिव। एड्रेस, एड्रेस मिला आपको ये वर्ड्स में कहीं? मैं बताता हूं, एड्रेस एक है इस वर्ष के अंदर। और मेरा परमेश्वर, तो मतलब आपका परमेश्वर किधर है? आपका परमेश्वर हेवेंस में है या स्वर्ग में है? तो आपका एड्रेस कहां हुआ? आपका एड्रेस भी उसके साथ वहां पे हुआ, है ना। हम पृथ्वी में एक क्षण भर के लिए है, आप 70 साल ले लो उसको, 80 साल ले लो, 90 साल ले लो, जो भी ले लो, लेकिन फिर भी। और एक और चीज फाइनल ये है कि पॉइंट ये है कि द सिग्नेचर, कौन ये कहता है? अगर मैं कमल भाई को एक चेक देता हूं, तो अगर मैं उसको एक ब्लैंक चेक करके करता हूं तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में ब्लैंक चेक दिया। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर मेरा साइन करके देता हूं, यू नो विनोद फिलिप ऐसा मैं साइन करके देता हूं, तो मैंने एंडोर्स किया है जो मेरा चेक है 10 लाख का, वो उनको भेज देने के लिए। जस्ट एग्जाम्पल है, ओके। इस तरह से तो आपका नीड को जब यीशु मसीह एंडोर्स करता है तो उसको हम कहते हैं द सिग्नेचर ऑफ क्राइस्ट जीसस। तो ये चेक जो है, अब आप आपका प्रेयर से आप ये चेक को जब एक्टिवेट करते हो विश्वास से, तो कौन एंडोर्स करता है? यीशु मसीह एंडोर्स करता है इस चेक को, ठीक है। तो इस तरह से है आपको ये वर्ड्स का थोड़ा जो एक पर्सपेक्टिव आपका विश्वास, हमारा विश्वास के लिए यू नो समझने के लिए। थिंक अबाउट वो सारे मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस जो पुअर है स्पिरिचुअली। अब वो पुअर है अपने चॉइस से या फिर वो इग्नोरेंट है क्या? एक और वर्ड्स आप हमारा कंसिडरेशन के लिए आज मैं बताना चाहता हूं, कलोसियंस का 3:4। कलोसियंस का 3:4 ऐसा कहता है, व्हेन क्राइस्ट आवर लाइफ शैल अपीयर, Then shall you also appear with him in glory. मतलब हिंदी में कलोसियो की पत्री 3:4 अगर आप पढ़ेंगे तो, जब मसीह जो हमारा जीवन है, अच्छा मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो ये वर्ड्स मैं पढ़ रहा था तो 2-3 चीज मेरे ध्यान में आया कि हमारा विश्वास कैसा है। हमारा विश्वास अभी है कि क्राइस्ट हमारा जीवन है, मसीह यीशु हमारा जीवन है, या हम डाउट के रोड पे चल रहे हैं, हमको सोचना है। और दूसरा, वो जब बादलों में आएगा तब उसका ग्लोरी दिखेगा, तब वो एक महिमा होगा उसमें। देखा, महिमा आया फिर से। तो हम ये एक आश्रय रखते हैं कि एक दिन प्रभु बादलों में आएगा। और ये जो होप है ये इज़राइल के लिए नहीं है,
ये कलिसिया के लिए है। अभी ऐसा है कि अभी यहोवा अभी तक लेट्स पर्सनलाइज, यीशु अभी पृथ्वी पर राज नहीं कर रहा है। उसके पास यहां अभी ऐसे देखे तो कोई सिंहासन नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में वह अपने पिता के सिंहासन को क्या कहते हैं फिर भी साझा करता है। तो शीघ्र एक दिन आएगा, ऐसे बिब्लिकल स्कॉलर्स कहते हैं, उसको थर्ड कमिंग का हो या तीसरा आगमन जो कहते हैं, दैट इज आफ्टर द रैप्चर। इट्स अ डिफरेंट स्टडी, हम कभी लेंगे उसको गॉड विलिंगली। तो किसी दिन यीशु मसीह सारी पृथ्वी पर राज करेगा, तो उस शासन काल में उसके पास एक और महिमामय चीज मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। खोलिए अपने बाइबल्स, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 12, प्रकाशित वाक्य 19 उसका 12 इंग्लिश में ऐसा है कि ही विल वेयर द क्राउन ऑफ एवरी नेशन ऑन द अर्थ, हेंस मेनी क्राउन्स, फॉर ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड दैट विल बी हिज टाइटल। कोई तैयार हो रहा था पढ़ने के लिए? जी राजेश भाई, आपको मिल रहा है रेवलेशन 19:12? उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता। ओके, ये रेवलेशन 19:12 ही है ना आपने जो पढ़ा आंटी? करेक्ट, 19 का 12 उसमें वो वर्स आया है ना कि उसके मुकुट, वो अनेक मुकुट पहनेगा। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। देखिए ये दूसरा ग्लोरी है, अब ये समझिए। थैंक यू आंटी पढ़ने के लिए। तो ये है दूसरा ग्लोरी। देखा भारत देश का भी एक मुकुट यीशु मसीह अपने सर पे पहनेगा। ये स्टेटमेंट हमारे विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए सिर्फ मैं कहता हूं, दूसरे कोई विश्वास ना करे तो वो आपकी चॉइस है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक रेवलेशन यहां शेयर कर रहा हूं कि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। एक दिन आएगा क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और यह उसकी एक महिमा या उपाधि, एक एकम्प्लिशमेंट भी होगा। मेरे को लगता है मेरा जो YouTube मिनिस्ट्री चैनल है वाइब्रेंट पे, मैंने शायद ये गाना गाया है, वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। ये जो है गाना, ये वही चीज बता रहा है, ये जो वर्स है वो यही चीज बता रहा है, राजाओं का राजा प्रभु। ये भी एक ग्लोरी एस्पेक्ट है, ठीक है। तो जब प्रभु राज करेगा तब ही विल वेयर ये सारे मुकुट ऑफ एवरी नेशन ऑन अर्थ है, ठीक है। तो पृथ्वी पर आने से पहले परमेश्वर कैसे होगा वो मैं बताता हूं कि वो अपना सिंहासन से, अभी जो पिता का सिंहासन है, फादर्स थ्रोन है, उस पर बैठा हुआ है। और हमारा जीवन इन अ वे लाइक कलोसियंस 3:3 जैसे हमने पढ़े, यीशु मसीह में छिपा हुआ है। तो अगर यीशु मसीह में हमारा जीवन छुपा हुआ है, तो एक और मर्म मैं देता हूं, तो क्या हमारा जीवन यीशु मसीह के अंदर है तो हम हेवनलीज में है ना ऑलरेडी, भले अभी हम अर्थ पे हो तो भी। लेकिन ओनली थिंग इज दैट वो मैनिफेस्टेशन के लिए हम वेट कर रहे हैं। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, उसके सच्चे जो विश्वासी होंगे, ठीक है, वो लोग उसके साथ उठा लिए जाओगे, ठीक है। तो वो भी ग्लोरी में उस टाइम पे अपियर करेगा। अब ये जो टाइमिंग है, दिस कैन बी द सेकंड टाइमिंग, दैट इज द सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग है रैप्चर। तो व्हाट अ वंडरफुल टाइम इट विल बी। अब वो ग्लोरी कैसा होगा, वो महिमा कैसा होगा,
ऐसा महिमा वाला एक पिता से आप मांगते हो या यीशु मसीह से जो मांगते हो, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि जो चीज है वो परमेश्वर उसके हिसाब से उसके हित में होगा वो पूरा करके देगा। तो इस तरह से यू नो लाइक हमको अब एक आश्रय है कि हमारा एड्रेस किधर है। हमारा एड्रेस हेवेंस में है और हम लोगों को यू नो लाइक एक कॉन्फर्मेशन है, कोई डाउट्स की जरूरत नहीं है यू नो कि हमारा उद्धार हुआ है तो हम प्रभु यीशु मसीह के आने की हम बाट जोते हैं। यू नो इस मोस्ट हिंदी ट्रांसलेशंस जो है, लेकिन मैं सिंपल हिंदी में आपको बताऊं तो राह देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप मसीह जीवन में? हम यीशु मसीह के आने की राह देख रहे हैं। बाट जोते थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे हो जाएगा, सबको शायद पता ना चले। इन अदर वर्ड्स उसका एड्रेस इज इन हेवेंस। तो एक और चीज ये ग्लोरी एस्पेक्ट के साथ मैं बताता हूं कि मैंने और आपने कभी यू नो लाइक संत बनेंगे ऐसा सोचा नहीं और हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमको संत का भी दर्जा क्यों मिलता है मैं बताता हूं। नॉट बिकॉज कि हमारे ऊपर या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन ने वो सेंटहुड या बिशप या ऐसा कुछ यू नो या अपोस्टल ऐसा कुछ यू नो कन्फर किया है। नो, इट इज जस्ट बिकॉज एक ट्रांजैक्शन जो हुआ उसमें हमने बिलीव किया। ट्रांजैक्शन क्या था? पुत्र जो आया उसने हमारी पापों को सारा ले लिया और उसका जो धार्मिकता, उसका जो राइचियसनेस, उसका जो भी यू नो ग्लोरी, उसका जो भी होलीनेस, जो भी राइचियसनेस के रिलेटेड वाले थिंग्स थे वो अब उसका पुत्र या पुत्री पे ट्रांसफर किया। तो हम संत ये बार्गेन में बन गए वचन के अनुसार। कोई मैन या वुमन आके अब आपको संत है बोलने की जरूरत ऐसा नहीं है। अगर आप लोग YouTube देखते हैं तो बिशप मारी मारी इमैनुएल करके एक बहुत बड़ा यू नो उसको हम संत कह सकते हैं। बिशप का टाइटल कन्फर्ड है उनके ऊपर और वो यू नो काफी बातें बताते हैं, क्रिश्चियन बातें बताते हैं, आने वाले चीजों की बातें बताते हैं। वो एक बिशप हुआ, बट इधर जो मैं बिशप कह रहा हूं आपका ग्लोरी है ये। आप और मैं उस तरह से संत बने हैं वचन के हिसाब से, यीशु मसीह के अंदर विश्वास करने से। तो ये भी एक महिमा में बात है। तो सब बातों का एक ही बात आज फिलिपियंस 4:19 का मर्म समझना हमारे जीवन में जरूरी है। क्यों? देखिए, क्योंकि क्या है कि लाइफ कभी कभी समटाइम्स अनकाइंड होता है। मैं जानता हूं बहुत सारे हैं जो डिस्पोंडेंस या फिर एक प्रकार सा एक निराशा या डिस्पेयर में जीते हैं, और मैं जानता हूं कि देर आर मेनी हार्ट्स जो ब्रोकन है, जिनके ड्रीम्स शैटर्ड है, जिनका नीड्स इतना हेवी है और वो बर्डन टू सच अ पॉइंट है कि कभी कभी वो होप भी नहीं होता है। यू नो कभी कभी हम प्रे नहीं कर सकते हैं, कभी कभी हम सब वो अवस्था से गए होंगे। अभी बेटर प्लेस्ड है बाय गॉड्स ग्रेस, बट कहीं ना कहीं यू नो जीवन का आपका 30 साल का जीवन ले लो, 40 साल का जीवन ले लो, 60 साल का जीवन ले लो, अगर कोई इधर 80 वर्ष वाला है तो 80 वर्ष का जीवन ले लो, या एक छोटा बच्चा भी हो, ठीक है, वो भी उसका जो पॉइंट ऑफ नीड है उस पे अगर उसको मीट नहीं किया है तो ही विल ब्रेक डाउन। तो उसी के संदर्भ में ये चीज मैं वापस दोहराता हूं कंक्लूशन में, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। पहला जो हमने आज देखा वो था माय गॉड, मतलब कि गॉड वो है हमारा नेम ऑफ अवर बैंकर या सप्लायर या जहां से वो ग्लोरियस रिचेस फ्लो करते हैं। तो हम जब मेरा परमेश्वर कहते हैं तो माय गॉड हम कहते हैं, एक कंपनी हम कहते हैं। लेकिन हमको हम सोचे हम कैसा माय गॉड को हमारे मन में पिक्चराइज करते हैं। दूसरा उसका सप्लाई के बारे में सोचिए, एक प्रॉमिस है वहां पे देने के लिए आपको, आपके लिए एक गारंटी है कि नहीं वो मीट करेगा, कोई कंडीशन नहीं उधर, सारे जरूरतें ऑल योर नीड्स, क्योंकि
वचन के अंदर है वो कोई अच्छी बातें, भली बातें। आप लोगों ने बाकी के दिने जो है डिवोशन में आपने सुना होगा somehow, थोड़ा मेरा जो चीज है उसके वजह से मैं नहीं जुड़ पाता हूँ, लेकिन आई एम श्योर आपको ये वचन कभी ना कभी तो मिला होगा। यू नो लाइक ही डजंट विथहोल्ड एनी गुड थिंग फ्रॉम अस, कोई भी अच्छा भला चीज वो एक अच्छा पिता के हिसाब से यू नो विथहोल्ड नहीं करता, मतलब सारा नीड्स जो है वो देता है, मतलब एक नोट या IOU के तरह है, ठीक है, उसका जो नीड्स वो जो सप्लाई करता है उसका प्रॉमिस है वो वैल्यू ऑफ दैट नोट जो हम पकड़ते हैं जी, फिलिपियंस 4:19 जो मैं बताया। तो अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, हमने देखा ना उसके धन के अनुसार, उसके महिमा के अनुसार, ये एक वो रिडीम्ड प्रॉमिस है कि एक ऐसा इनफिनिट इनएग्जॉस्टिबल सप्लाई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज मर्सी। आप लोग में से कौन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है पता नहीं मुझे, लेकिन क्रिप्टो का एक इकोनॉमी है जो क्रिप्टो का इंडेक्स पे चलता है, और क्रिप्टो का इंडेक्स पे आने वाले समय में डिजिटल करेंसी का भी खत्म हो जाने के बाद क्रिप्टो जब आएगा तब क्रिप्टो ऊपर आएगा। अभी हम सुनते हैं कि क्रिप्टो में स्कैन हुआ, क्रिप्टो में क्रैश हुआ, क्योंकि क्या है कि ये इसका सप्लाई कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन गॉड का सप्लाई जो है, गॉड का सप्लाई वो एक अलग लेवल पे है, वो अनंत है, उसको हम कहते हैं हेवन्स इकोनॉमी। उसके बाद फिर जो ग्लोरी है वो मैंने बताया कि कहां है आप, हमारा एड्रेस इन द हेवन्स, ठीक है। हम सब कोशिश करते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, एक हमारा एक आश्रय है, नहीं, बट इट इज इन द हेवन वेयर गॉड अबाइड्स, वहां से आता है उसका ग्लोरी, उसका महिमा, उसके धन के हिसाब से, किसके द्वारा, क्राइस्ट जीसस के द्वारा। क्राइस्ट जीसस जो है वो एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसका जो चीज है वो बहुत ही रिडम्प्टिव है। रिसेंटली हमारे पास्टर चर्च में एक मैसेज जब ले रहे थे, थोड़ा मेरे को 2-5 मिनट एक्स्ट्रा देना कॉल भाई, मैं एंड करने ही जा रहा हूँ, तो वो कह रहे थे कि बहुत सारे अंत के दिनों में आपको टीचर्स मिलेंगे, ठीक है, जो आपको उद्धार्थ के बारे में बताएंगे और ये वो सब, और बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मन फिराव करके अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो ग्रेट, लेकिन सैल्वेशन का जो चीज है वो केवल एक ही बंदा कर पाया और वो है यीशु मसीह। तो वो हमको मानना पड़ेगा कि वो सही बात है, सैल्वेशन जो है वो तो यीशु मसीह है, और हम तो सिर्फ उस सैल्वेशन को बताने वाले हैं, हम तो सिर्फ उस सैल्वेशन को, बिकॉज चखा है तो हम उसको बताने वाले हैं, हम सब उस तरह से। तो फाइनल कंक्लूशन में मैं ये कहूंगा कि माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस, मतलब कि एक इधर एक ऐसा परफेक्ट सप्लाई है फॉर सारे वॉन्ट ऑफ योर बॉडी, आपका सोल, आपका टाइम, आप इटर्निटी में, अर्थ में हो, हेवन में हो, लेकिन क्या आप और मैं विश्वास कर सकते हैं या डाउट करते हैं जब परमेश्वर से हम चीज को मांगते हैं। तो आई होप आपको आज का जो ये छोटा डिस्कोर्स है आपको समझ में आया होगा एंड आपको एनलाइटनमेंट मिला होगा। और भी पर्सपेक्टिव्स है इस ग्लोरी और रिचेस का, और हम कोशिश करेंगे उसको गॉड विलिंगली आने वाले वीक्स में कहीं ना कहीं लेने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग पेशेंटली, गॉड ब्लेस यू ऑल, ओवर टू कमल भाई। धन्यवाद विनोद भाई, हालेलुया, अच्छे वचन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें ये याद कराया, हालेलुया, उसकी महिमा का धन कैसा है, हालेलुया। एक वचन में हालेलुया कहता है कि जो कुछ हमारी भक्ति और हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है वो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में दे दिया है, ऑलरेडी परमेश्वर ने हमको दे दिया है। हालेलुया, पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है कि उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो, कि वो जान सके कि परमेश्वर की महिमा का धन कैसा है, उसकी सामर्थ जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया और अपने दाहिनी ओर
सारी प्रधानता अधिकार प्रभुता और सामर्थ और जो नाम न केवल इस लोक में लिया जाएगा पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया बिठाया और हालेलुया सब वस्तुओं में श्रोमणी बनाकर कलेशा को दे दिया। हालेलुया तो हमारा महान परमेश्वर जिसने हमारी हर एक जरूरत को पूरा कर दिया है। हालेलुया उसकी महिमा सदा की है। हालेलुया।